हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अशोक आचार्य आज लेकर आया हूं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कौन सा रत्न आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा रत्न धारण करने से आपका भाग्य बदल सकता है या नहीं बदल सकता, कौन सा रत्न यदि आप धारण करेंगे उससे आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि आ सकती है, कौन सी राशि के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन के अंदर धन वैभव सुख समृद्धि आ सके, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि के लिए कौन सा रत्न शुभ रहेगा। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का विशेष महत्व है। व्यक्ति की राशि एवं कुंडली में विराजमान ग्रहों की शांति के लिए प्रकृति में पाए जाने वाले स्टोन्स, जेमस्टोन या रत्नों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इन रत्नों को धारण करने से हमारे जीवन के अंदर सफलता प्राप्त होती है। आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरह तरह की परेशानियां हैं और कंफ्यूजन है, कॉम्पिटिशंस हैं और तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन सब, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, जो कंपटीशन या जो एक मैं कहूँगा जीवन के अंदर एक प्रतियोगिता बनी हुई है उसको लेकर व्यक्ति तरह तरह के उपाय करता रहता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि उसके जीवन के अंदर सुख समृद्धि आ सके। दोस्तों, इसमें ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे जो मैं कहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या एक मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जो उपाय हम करते हैं उनमें रत्नों का बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरी बात यह है कि हमको जो रत्न धारण करना चाहिए, कई बार ऐसा देखने में आता है कि आप कोई भी धारण कर लेते हैं लेकिन जब भी आप कोई रत्न धारण करें उसको ये देख लीजिए कि वो आपकी राशि के हिसाब से शुभ है या अशुभ है। दूसरी बात ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप रत्न धारण करने जा रहे हैं कहीं वो आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों को फ्रेंड तो नहीं है, यानी कि उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, क्योंकि यदि आप अपनी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह का रत्न धारण करेंगे तो उससे लाभ होने के बजाय आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि के लिए आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा क्या चल रही है। उसके बाद गोचर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रत्न धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सफलता प्राप्त होने शुरू हो गई है। अब कैसे पहचाने कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा रत्न शुभ होगा या नहीं होगा, इसको मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं और यदि आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको बड़ी सरलता से पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में आपके लगन के अनुसार, जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं, कौन सा रत्न शुभ होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो मुख्य रूप से 9 ग्रह हैं उनको हम 2 टीमों में बांट लेते हैं। पहली टीम ए टीम, मैं यहां पर उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, ए टीम के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये एक टीम हो गई। और जब भी आप कोई रत्न धारण करें तो आप सूर्य का रत्न, माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा और गुरु का पुखराज। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि आपका लगन क्या है। उसके बाद दूसरी बात यह ध्यान देनी है कि आप
दुश्मन ग्रह का प्लेनेट का रत्न धारण ना करें। अब हम दूसरी टीम की बारे में बात करते हैं। पहली टीम में मैंने बताया सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु। दूसरी टीम जो आती है उसमें वह बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जब भी आप रत्न धारण करें तो आपका लगन जो भी उसका स्टोन बनता है तो उसके मित्र ग्रहों का रत्न आप धारण कर सकते हैं, शत्रु ग्रह का रत्न धारण ना करें। एक बात। दूसरी बात, अब आपको यह देखना पड़ेगा कि महादशा कौन सी है। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगन के अनुसार यदि दुश्मन ग्रह की महादशा चल रही है तो भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपको अपने लगन और लगन के जो मित्र ग्रह हैं उनका ही रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो शत्रु ग्रह की जो महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है उसका असर कम होगा, वो बैलेंस हो जाएगी और आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां पर फिर मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिना किसी ज्योतिष शास्त्र के, उसकी सलाह के बिना भी आप रत्न धारण करना कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर यहां पर बता रहा हूं। यदि मान लो आपका जो लगन है वो सिंह लगन है, सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है, अब आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपको मानिक धारण करना चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि और शुभता बढ़ाना चाहते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में मित्र ग्रह की ही अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो सूर्य ग्रह का, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, मित्र कौन होगा, चंद्रमा होगा, आप मोती पहन सकते हैं, मंगल होगा, यदि मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप मूंगा पहन सकते हैं, यदि गुरु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा चल रही है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपस में मित्र हैं। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का जो लग्न वो तुला बन जाता है, अब हम देखते हैं कि तुला लग्न के जो मित्र हैं, तुला ग्रह के जो मित्र हैं, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र ग्रह के जो प्लैनेट हैं वो शनि, बुध और राहु केतु हैं। तो अब आप ओपल के साथ या फिर डायमंड के साथ आप पन्ना धारण कर सकते हैं, आप ब्लू सफायर धारण कर सकते हैं, गोमे धारण कर सकते हैं और लहसुनिया धारण कर सकते हैं। तो ये जो मैंने यहां पर आपको फिलोसफी बताई, ये वैदिक सिस्टम से और मॉडर्न सिस्टम से दोनों से बताई। आप इस प्रकार से यदि रत्न धारण करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए कौन सा रत्न आपको ज्यादा सुटेबल रहने वाला है। एरीज लगन यानी कि मेष लगन, मेष लगन का स्वामी मंगल होता है, और मंगल ग्रह के जो मित्र प्लैनेट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो होता है गुरु और सूर्य। मेष लगन के व्यक्तियों के लिए सबसे बढ़िया जो रत्न, वो उनके लिए जो लकी रहेगा या उनके लगन के हिसाब से, वो कोरल रहेगा, यानी कि जिसको हम मूंगा बोलते हैं। दूसरा उनके लिए माणिक्य रहेगा और तीसरा येलो सफायर रहेगा। आप इन तीन स्टोन्स का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, या फिर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर महादशा, अंतरदशा और गोचर के आधार पर
इनको धारण कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो, तो आपको एक और प्रयास करना चाहिए कि जो भी आप रत्न धारण कर रहे हैं, मेष राशि वालों का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। यदि आप मूंगा धारण करने के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करें तो भी आपको अधिक लाभ होगा। और यदि आप पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई खेल या फिर योग और ध्यान को भी स्थान दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए, उनके लिए लकी स्टोन क्या रहेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं और लाइक शेयर भी करें। और हाँ, यदि आपके मन के अंदर कोई प्रश्न है, कोई शंका है, आप भी चाहते हैं कि जीवन के अंदर अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बर्थ डिटेल लिखकर भेजिए, अपना प्रश्न वहां पर लिखकर भेजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट बात करना, तो हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे कि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप अपने कम से कम 10 ग्रुप के अंदर हमारे चैनल्स को शेयर करते हैं तो मैं स्वयं आपको आपकी जन्मकुंडली पढ़कर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, मैं अशोक आचार्य पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को सलाह दे रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि आप भी जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करें तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने सभी 12 राशियों के लिए कौन सा लकी स्टोन रहेगा उसका वीडियो बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी, अपने परिवार की, मित्रों की या जिससे के बारे में भी आप लकी स्टोन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस राशि पर क्लिक करके आप वो सब जान सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। एक नए वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। हरे कृष्णा।